अगर आपकी रुचि भी म्यूचुअल फंड में है और समय समय पर इसमें निवेश करते रहते हैं तो इस बार निवेश करने से पहले इस वीडियो को देख लें। आपको बताते हैं कि म्यूचुअल फंड मतलब हर व्यक्ति अपने निवेश पर शानदार रिटर्न प्राप्त करना चाहता है। आप भी इक्विटी शेयरों से बेहतरीन रिटर्न हासिल कर सकते हैं। प्रॉपर्टी, गोल्ड हो या बैंकों के फिक्स्ड डिपॉजिट, लंबे समय की बात करें तो सबसे बेहतरीन रिटर्न शेयर ही देते रहे हैं। कोई निवेशक प्रत्येक सेक्टर और हर कंपनी के बारे में जानकारी रखता हो यह जरूरी नहीं। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि शानदार रिटर्न पाने के लिए म्यूचुअल फंड का चयन कैसे किया जाए। हम आपको बताते हैं कि ऐसे म्यूचुअल फंड का चयन कैसे किया जाए जो आपको कम जोखिम में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। दरअसल म्यूचुअल फंडों के चयन का कुछ पैमाना है श्रेणी के दूसरे फंडों की तुलना में प्रदर्शन। जब आप निवेश के लिए कोई म्यूचुअल फंड चुनने जा रहे हैं तो ये देख लें कि उसी श्रेणी के दूसरे फंडों की तुलना में उसका प्रदर्शन कैसा रहा है। इसके लिए 1, 3 और 5 साल का पैमाना चुनें। अगर आपने लार्ज कैप फंड चुना है तो उसकी तुलना सिर्फ लार्ज कैप फंडों से ही करें। अगर आपने 10 फंडों की तुलना की है तो उनमें से सिर्फ शीर्ष के 2 म्यूचुअल फंडों का ही चयन निवेश के लिए करें। लंबे समय में म्यूचुअल फंड ने कितना दिया रिटर्न। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मानदंड है रिटर्न। आखिर हम निवेश भी ज्यादा रिटर्न की उम्मीद से ही करते हैं। अगर कोई म्यूचुअल फंड लगातार अपने बराबरी के फंडों की तुलना में बेहतर रिटर्न देता आ रहा हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। बेंचमार्क की तुलना में प्रदर्शन। हर म्यूचुअल फंड का एक बेंचमार्क होता है। उदाहरण के तौर पर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का बेंचमार्क नेशनल स्टॉक एक्सचेंज स्मॉल कैप इंडेक्स हो सकता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अपने बेंचमार्क की तुलना में उस खास म्यूचुअल फंड का प्रदर्शन कैसा रहा है। अगर वह लगातार बेहतर कर रहा है तो उसका चयन किया जा सकता है।